हाय, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पुराना लेक्चर। पुराना लेक्चर आपको मालूम है हमने क्या किया था। हमने सीखे थे कि अकाउंट्स के नेचर ट्रेडिशनल बेसिस पर क्या होते हैं। हमने सीखा था कि ट्रेडिशनल बेसिस पर अकाउंट्स को कैसे बनाया जाएगा। हमने सीखा था कि ट्रेडिशनल में किस अकाउंट्स को क्या कहा जाता है। हेलो, हाय। हमने सीखा था कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मैंने आपको कहा था कि देखिए, इस बोर्ड पर जो मैं लिखने जा रहा हूं और अगली क्लास में वो मिलेगा नहीं, और इसलिए जो स्टूडेंट्स इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हैं वो इससे पहले वाली क्लास को देखकर आए। आधे घंटे का लेक्चर है वो, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे कोई अकाउंट पर्सनल होता है, कैसे रियल होता है और कैसे नॉमिनल होता है। उसका रीजन बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी उसके बाद प्रैक्टिस। तो आज का जो सेशन है हम सीखेंगे, आज के सेशन में प्रैक्टिस। क्या सीखेंगे आज हम? आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज हम टॉप 30 आइटम्स करने जा रहे हैं। आज हम उन सभी में वो सभी पॉइंट्स कर लेंगे जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करते हैं, जो आपको पेपर में आने वाले हैं। आपके पेपर आउट कर रहे हैं हम, यस। और वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे मेरे चाहने वाले, वो सभी मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई और मेरे से बड़े भी हों, तो जो कॉमर्स को जानने के लिए यहां पर आए हैं और कॉमर्स की बेसिक क्लासेस इसलिए ले रहे हैं ताकि उन्हें अकाउंटेंसी, डबल एंट्री, बुककीपिंग की नॉलेज बन सके, तो उन सब के लिए भी आज का सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ यह है कि आपने पेपर नहीं देने जा रहे हैं, सिर्फ इतना फर्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, क्लास नंबर 2। इससे पहले हम क्लास नंबर 1 कर चुके हैं। मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं ये है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब ये क्या लेकर आया हूं मैं ये सभी अकाउंट्स आपके पास लेकर आया हूं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कोई नेचर पहचानेंगे। तो आज टॉप 30 आइटम्स लेकर आया हूं, टॉप 30 आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम इस क्लास को फ्री कर देंगे। टोटल टाइमिंग मैंने इसमें 10 से 15 मिनट माना है, तो 10 से 15 मिनट में ये सारे के सारे 30 आइटम्स हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट। आपको बताया था कि नेचर होते हैं क्या 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और कैपिटल जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों? वो होती है मालिक की। मालिक कौन है? जिसे उस ऊपर वाले ने बनाया, यानी नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन वही होते हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं, या तो कंपनी शुरू करेगी या मैं और आप शुरू करेंगे। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट कौन से में आएगा बेटा? पर्सनल नेचर में आ जाएगा। बड़ी मोटी इंक आ गई, ये तो इतनी मोटी नहीं करनी भाई, छोटी करनी है। चलिए जी जनाब, अब सही स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो ये पर्सनल नेचर का हो गया बेटा। रीजन है आर्टिफिशियल पर्सन होगा या नेचुरल पर्सन होगा, इसलिए ये पर्सनल नेचर में आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स आप लोग ये भी जानेंगे कि ये सीखने के बाद इसके बाद रूल्स आते हैं, तो रूल्स भी अभी हमने सीखने हैं। अगर आपको एक बार पता लग गया पर्सनल है तो आपको ये भी पता लग जाएगा डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और ये हम सीखेंगे इससे अगले वीडियो सेशन में। फिलहाल आज के वीडियो सेशन में टॉप 30 आइटम्स, टॉप 30 अकाउंट्स लेकर आया हूं मैं, और इस अकाउंट्स की मदद से, इन प्रैक्टिस सेशन की मदद से आप आज अच्छे से सीख जाएंगे और कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट है एसेट्स। आप सभी पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था और जो बोर्ड पर लिखा था वो रजिस्टर लेकर बैठे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब वो रजिस्टर लेकर उन सभी आइटम्स को देख रहे होंगे। तो उसमें देखिए कैश होता है एसेट्स, और वो हम रियल में लिखते हैं, तो इसलिए कैश अकाउंट बेटा किसमें आएगा? रियल में आएगा, करेक्ट। बैंक भी हमारी एसेट्स है,
लॉजिकली इसे रियल अकाउंट्स में होना चाहिए। सभी एसेट्स रियल अकाउंट्स में आती हैं, बोलो सब जयकारा शेरा वालिदा। क्या कि बैंक कहां पर आएगा? रियल अकाउंट्स में आएगा। लेकिन क्या बैंक किसी कंपनी से बिलोंग करता है? जी हां, या तो बैंक होगा नागरिक सहकारी समिति, या फिर बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक, या होगा आईसीआई बैंक। तो यानी कि ये आर्टिफिशियल नेचर का पर्सन हो गया। तो सिर्फ इसी रीजन के कारण इसे रियल वाले ग्रुप से निकाल दिया जाता है और इसे पर्सनल में डाल दिया जाता है। तो इसलिए इसे पर्सनल में ले जाएंगे। अब मैं बोलने की अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज कर दूंगा, ठीक है, ताकि टाइम बचे। और जैसा कि यूट्यूब पर बहुत से आपको कई बार फास्ट पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं वो ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर ऐसी हालत में ये बैंक किस में जाएगा? पर्सनल नेचर में जाएगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और एक्सेप्शन कैटेगरी में लिखा था, आप चाहें तो देख सकते हैं। रेंट अकाउंट। रेंट क्या है? रेंट है एक्सपेंसेस। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है एक्सपेंसेस और क्या है एसेट्स। तो मैं हमेशा उन्हें एक बात बताता हूँ कि आप मार्केट में जाएं और गोलगप्पे खाकर आ जाएं। गोलगप्पे खाकर आ गए, अब आप ये बताएं, जब आप गोलगप्पे खाकर आ गए हैं तो क्या वो पैसा दोबारा आ सकता है जिंदगी में वापस? नहीं आ सकता। तो जो पैसा एक बार देने के बाद कभी जिंदगी में वापस ना आए, वो बेटा एक्सपेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एकेडमिकली नहीं समझा रहा हूँ। और जो पैसा खर्चने के बाद दोबारा भी आ सकता है, वो एसेट्स है। मैंने कार खरीदी, कार बेच दूंगा, पैसा वापस आ जाएगा, तो वो कार क्या है? एसेट्स है। मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेच दूंगा, वापस आ जाएगा पैसा, एसेट्स है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर वो उतने का थोड़ी बिकेगा, वो तो लॉस पर बिकेगा। तो मैं इसका उल्टा समझाता हूँ उन्हें कि बेटा लॉस ही क्यों बोलता है हमेशा, कभी प्रॉफिट भी बोल लिया कर, कि प्रॉफिट पर भी तो बिक सकता है। तो यानी वो अनसर्टेनिटी है कि अभी ये नहीं मालूम कि वो कम पर बिकेगा या ज़्यादा पर बिकेगा, तो इसलिए उसके बारे में मत सोच, आने वाले कल की अभी मत सोच, अभी तो सिर्फ ये सोच कि ये जितने का है उतने का बिक जाएगा। फिलहाल अभी तो शुरुआत में है, अभी नेचर पर पहचान रहे हम, तो आप सीधी सी ये बात मानेंगे कि ये मैंने खरीदा है और ये वापस भी आ जाएगा, तो इसलिए मेरी एसेट्स। पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज़ के मैंने सेशन लिए हुए हैं, उनमें मैंने एसेट्स के बारे में बताया हुआ है और लायबिलिटीज़ के बारे में, कैपिटल के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में भी बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो सेशन पर देखिएगा जिनको इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना हो। रेंट तो एक्सपेंसेस है। ऑल एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे बेटा? नॉमिनल में। कहाँ जाएंगे? नॉमिनल में। अब आते हैं हम सैलरी में। सैलरी भी क्या है? देरी। पैसा कभी वापस नहीं आएगा, तो इसलिए कहाँ आएगा, इसलिए कहां पर जाएगा? ये आएगा नॉमिनल में। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, दो मिनट रुक जाइए सर, मेरे सर खड़े हुए हैं, हमें ऑफिस से निकलना है। मैं कहता हूं बस पांच मिनट की बात है सर। परचेज अकाउंट की बात करते हैं। परचेज यानी खर्चा। तो अब कहां जाएगा हमारा परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट क्या है? सामान खरीदा तो हमारी एसेट्स है, तो ये एसेट्स अकाउंट में जाना चाहिए। अगर आप स्कूल स्टडी पढ़ रहे हैं तो आपके में ये लिखा हुआ है बेटा नॉमिनल में। लेकिन थोड़ा हायर स्टडीज पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि परचेज के बारे में जितने भी अकाउंटेंट हैं वो हमेशा दो बातें सोचते हैं, कि ये कहते हैं कि ये तो ये रियल है क्योंकि एसेट्स है, और खर्चा भी कहते हैं क्योंकि ये खर्च कर रहे हैं हम सेल्स के लिए, तो इसलिए नॉमिनल भी मानते हैं। तो दोनों आंसर वैलिड हैं और दोनों ही पूरे मार्क्स पे माने जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आप अपने स्कूल स्टडीज़ में इसे नॉमिनल लिखकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि परचेज अकाउंट जो है हम नॉमिनल लेते हैं, और उसमें से जो माल बच जाएगा उसे हम कहाँ ले जाएंगे? उसे हम एसेट्स में ले जाएंगे। डेटर्स। डेटर्स कौन है? अच्छा, जिस जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसमें किसी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें नीचे यहाँ पर, और मैं उसका जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। चलिए डेटर्स पर स्टार्ट करते हैं। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं क्योंकि मुझे उनसे पैसा लेना है, वो या तो नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? पर्सनल हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्रेडिटर्स पर। क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे बताओ भाई? क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स हैं या तो मैंने पैसा उधार लिया उन लोगों से, वो या तो मेरी लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी ही हैं, वो या तो मेरे नेचुरल पर्सन है या मेरे आर्टिफिशियल पर्सन है। या तो नेचुरल लोगों से पैसा उधार लिया है या मैंने बैंकों से इन सब से उधार लिया है, तो इसलिए वो मेरा पर्सनल नेचर में आएगा। बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी सारे पर्सनल नेचर के होते हैं बेटा। स्टॉक।
स्टॉक वो है जो सामान बच गया, बचा हुआ सामान मेरी एसेट्स होती है, बेचूंगा तो वापस पैसा आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा रियल। फर्नीचर बेचूंगा तो पैसा वापस आ जाएगा ना, तो क्या कहलाएगा एसेट्स। शाबाश, एसेट्स हो गए रियल। बैंक अभी अभी बताया था आप लोगों को पर्सनल, क्योंकि कंपनी नेम होता है। व्हीकल कार वगैरह क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कहां पर ले जाएंगे हम लोग, एसेट्स हैं रियल में जाएंगे। कार्टेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल नेचर आपको बताया गया था, वेरी गुड। अब बस थोड़े से चार पांच आइटम रह गए और ये सेशन अभी पूरा हो रहा है। फ्रेट एक्सपेंसेस किराया भाड़ा, जिन बच्चों को इन सब के मीनिंग ना मालूम हो वो डॉक्टर डिक्शनरी में जरूर ढूंढे। फ्रेट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ये नॉमिनल में जाएगा। टैक्स, टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट को मैंने पेमेंट करना है, कभी देने के बाद कभी वापस तो आना नहीं है, तो इसलिए ये मेरा एक्सपेंसेस है। बिजनेस का एक्सपेंसेस है, नॉमिनल में जाएगा। प्रीपेड सैलरी, सैलरी प्रीपेड सैलरी का मतलब सैलरी दे दी तो वापस नहीं आती, पर प्रीपेड सैलरी वापस आ जाती है बेटा, क्योंकि प्रीपेड सैलरी का मतलब है मैंने सैलरी एडवांस में दे दिया। अब ऐसी हालत में अगर अगले महीने उसने मेरे यहाँ जॉब नहीं करी तो वो सैलरी मेरे को वापस लौटा कर जाएगा, तो इसलिए मेरी एसेट्स है, तो इसलिए ये रियल में आना चाहिए। लेकिन आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नॉमिनल नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो एसेट्स या लायबिलिटी बन जाती हैं तो हम उन्हें पर्सनल में ले जाते हैं, तो इसलिए प्रीपेड सैलरी में देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखवाया था कि रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स और रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी, तो इसलिए ये केस हो गया रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स और इसलिए ये पर्सनल में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम केस नॉमिनल नेचर है, पर नॉमिनल नेचर अगर एसेट्स या लायबिलिटी बन जाए तो वो पर्सनल मानी जाती है। बैड डेब्ट्स पैसा डूब गया, जिन लोगों को मैंने पैसा उधार बांट रखा था उन्होंने मेरा पैसा मार लिया, तो डूबा हुआ पैसा लॉस है और लॉस नॉमिनल नेचर में आता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस तो कहां पर आएगा, ये भी नॉमिनल में आएगा, कहां पर आएगा नॉमिनल में आएगा, ठीक है ठीक। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कहां पर होगा, मशीनरी अकाउंट है हमारा एसेट्स में, मशीनरी अकाउंट कहां पर आएगा बताओ जल्दी। बीच में ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रही है, अब ये स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कौन होती है मेरी, मशीनरी मेरी एसेट्स है और ऐसी हालत में ये मेरी क्या मानी जाएगी, ये मेरी रियल अकाउंट्स मानी जाएगा। वेजिस आउटस्टैंडिंग, वेजिस होते हैं मजदूरी, आपने पेमेंट करी है अपने मजदूरों को तो ऐसी हालत में वो नॉमिनल में आएगा, पर अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी हो गई और ऐसी हालत में वो पर्सनल में आ जाएगी। जो भी नॉमिनल नेचर लायबिलिटी बन जाए या एसेट्स बन जाए तो क्या आएगा वो पर्सनल, तो इसलिए बेटा क्या आएगा पर्सनल, वेरी गुड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होगा, इंश्योरेंस हमारे एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस कहां जाएंगे नॉमिनल। डोनेशन, डोनेशन मैंने मेरे यहां बहुत सारे लोग चंदा मांगने आए मैंने उन्हें चंदा दे दिया तो अब ऐसी हालत में क्या माना जाएगा खर्चा, बिजनेस का एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर, चैरिटी भी डोनेशन होती है नॉमिनल नेचर। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट, जो मालिक ने पैसा लगाया था उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, तो ड्राइंग्स कौन निकालते हैं, मालिक ही निकालते हैं, तो मालिक का अकाउंट कौन सा होता है पर्सनल नेचर का, तो ड्राइंग्स भी पर्सनल नेचर में ही आएंगे। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ट्रेडमार्क जैसे आपने देखा होगा कोको कोला का अपना एक चिन्ह है, ऐसे ही एप्पल का अपना एक चिन्ह है, चिन्ह का मतलब निशान मार्क साइन, तो ये बेसिकली क्या होते हैं ट्रेडमार्क होते हैं, तो क्या हाथ जाएंगे ट्रेडमार्क में माने जाएंगे और ट्रेडमार्क यानी एसेट्स है तो ये रियल नेचर की हो जाएगी, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे, कॉपीराइट, कॉपीराइट ट्रेडमार्क हो गया ठीक है वेरी गुड। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, जो किताबें आपके पास हैं क्या आप उसे अपने नाम से छाप सकते हो मार्केट में, नहीं छाप सकते, तो इसलिए वो क्या है, वो किसी का अधिकार है, किसी का राइट है, तो इसलिए क्या माना जाएगा कॉपीराइट एसेट्स, तो ऐसी हालत में कॉपीराइट मेरी एसेट्स है रियल नेचर की हो गई। शेयर्स या डिबेंचर्स, मैंने खरीदा है, अगर मैंने परचेज कराया तो वो मेरी बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, क्या है इन्वेस्टमेंट है,
ऐसी हालत में वो मेरी क्या हो गई, एसेट्स हो गई, और एसेट्स रियल नेचर में आते हैं। अब इसके बाद आखिरी जवाब, अब आखिरी जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आएगा, और देखते हैं कि आप उसके क्या बताएंगे। मेरी संस्था में ये है, मेरी संस्था में एलिफेंट है, मेरी संस्था में मंकी है, मेरी संस्था में ये पांडा है, तो अगर ये मेरी संस्था में है तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मंकी के लिए मंकी अकाउंट खोल दीजिए, एलिफेंट के लिए एलिफेंट अकाउंट खोल दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों, स्टूडेंट्स, इसके लिए आप जो अकाउंट ओपन करेंगे उसे कहते हैं लाइव स्टॉक अकाउंट। क्या बनते हैं? लाइव स्टॉक अकाउंट। तो उसके लिए बनेगा लाइव स्टॉक अकाउंट। हालांकि ये भगवान के बनाए हुए लोग हैं, नेचुरल हैं, ये भी अपने आप में नेचुरल हैं, तो इसलिए पर्सनल नेचर में आने चाहिए, लेकिन ये पर्सनल नेचर में नहीं आते हैं, क्योंकि हम पर्सनल नेचर में हम सिर्फ किनको लेते हैं, हम सिर्फ इंसानों को ही लेते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन को लेते हैं। तो फिर ऐसी हालत में हम इसको किस में लेंगे, हम इसको लेंगे कहाँ पर, हम लेंगे इसको रियल नेचर में। कहाँ पर लेंगे? रियल नेचर में। बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपको ये बातें आज क्लियर हुई होंगी, और आज हमने टॉप 30 क्वेश्चंस करे, टॉप 30, ठीक है, टॉप 30 आइटम्स पढ़े, जिसको हमने सीखा कि क्या पर्सनल है, क्या रियल और क्या नॉमिनल है। तो उम्मीद है आज के इस सेशन के बाद आपको इन 30 आइटम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यकीन मानिए पेपर में इन 30 से बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखेंगे कि पर्सनल का रूल क्या होता है, रियल का रूल क्या होता है, नॉमिनल का रूल क्या होता है, ताकि हमें ये बात पता लग जाए कि पर्सनल को डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं, रियल को डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं, नॉमिनल को डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा, बाय बाय, टाटा, और हम लोग मिलते हैं।